हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं ऋतिक और WTC फाइनल से जुड़ी एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। और अभी फिलहाल तो एक ही दिन बचा WTC फाइनल में, 7 जून से जो है शुरू हो जाएगा। और उससे पहले, एक दिन पहले यहां पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है। यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम की यहां पर एक तरीके से यहां पर कंफर्मेशन हो जाती है प्लेइंग 11 की, और सोचा जा सकता है कि क्या प्लेइंग 11 खिला सकती है ऑस्ट्रेलियन टीम। और उसमें से प्लेइंग 11 में से एक सदस्य तो यहां पर कंफर्म कर दिया है कप्तान पैट कमिंस ने, वो है स्कॉट बोलैंड। स्कॉट बोलैंड के बारे में पैट कमिंस ने कहा कि ही विल प्ले अगेंस्ट इंडिया इन द WTC फाइनल स्टार्टिंग फ्रॉम 7th जून टिल 11th जून, बीइंग रिजर्व डे फॉर द 12th जून। ये बात यहां पर कही है पैट कमिंस ने। और साथ ही साथ यहां पर एक खिलाड़ी तो कंफर्म कर दिया, और क्योंकि जॉश हेजलवुड यहां पर इंजर्ड हुए थे और तो है यहां पर एक्लिस इंजरी हुई थी उनकी, एडी में इंजरी, वो अभी तक ठीक नहीं हुई और वो उससे अभी भी रिकवर नहीं कर पाए। IPL से पहले उनको इंजरी हुई थी, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट सीरीज हुई थी वहाँ पर जो है उनकी एडी में इंजरी आई थी, और वो उसी टेस्ट मैच के बाद से रूल आउट हो गए थे और उसके बाद से IPL भी ढंग से नहीं खेल पाए। IPL में आए थे RCB के लिए खेलने, 2 मैच खेले, उसके बाद तो भाई वो फिर वापस चले गए इंजरी की वजह बता के। अब वो एशेज से भी बाहर हो चुके, तो उनकी रिप्लेसमेंट आए थे माइकल नेसर। तो सब अनुमान ये लगा रहे थे कि माइकल नेसर जो है बल्लेबाजी का भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, इस वजह से स्कॉट बोलैंड को नहीं खिलाएंगे, लेकिन माइकल नेसर को जो है उनसे ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन पैट कमिंस ने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया स्कॉट बोलैंड खेलेंगे। तो भाई अब देख लीजिए कितने 3 धाकड़ गेंदबाज यहाँ पर रहेंगे, स्कॉट बोलैंड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और एक तेज गेंदबाज के रूप में जो कि ऑलराउंडर भी हैं वो होंगे कैमरॉन ग्रीन। तो अब इनके पास कुल मिला के 4 गेंद तेज गेंदबाज रहे, जो कि इनफ है भारत के सामने। अगर जॉश हेजलवुड नहीं भी हैं तो भी उतने ही घातक हैं सबके सब गेंदबाज, तेज गेंदबाज, और नेथन लायन तो स्पिनर के रूप में है ही हैं। और अगर आप देखें तो अगर आप अब जॉश हेजलवुड के बाहर जाने से या माइकल नेसर को टीम में ना खिलाने से अब जॉश जो है स्कॉट बोलैंड को आप टीम में ले आए तो 3 फ्रंटलाइन पेसर बनते हैं। तो अब आप ट्रेविस हेड को भी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं और डेविड वार्नर को भी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। तो भाई आपकी बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन, गेंदबाजी तो धाकड़ यहाँ पर बनी जाएगी। अगर मैं आपको संभावित प्लेइंग 11 बता दूँ जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं लाइकली यही प्लेइंग 11 होगी, तो मैं ये आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक खिलाड़ी तो कंफर्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने स्कॉट बोलैंड, उनको रखते हुए जो प्लेइंग 11 अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ ऐसी होगी, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लेबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरॉन ग्रीन, एलेक्स कैरी विकेट कीपर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड। यहाँ पर आप देखिए गेंदबाजी के ऑप्शन कितने, आप 5 गेंदबाज यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर पैट कमिंस तेज गेंदबाज कप्तान भी हैं, जो कि स्कॉट बोलैंड राइट आर्म फास्ट मीडियम, और मिचेल स्टार्क है राइट आर्म फास्ट, तो भाई सॉरी मिचेल स्टार्क है लेफ्ट आर्म फास्ट, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर नेथन लायन एक स्पिन ऑप्शन हो गए। तो भाई अब तेज गेंदबाज भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ आप देखें ग्रीन भी एक आपके पास तेज गेंदबाजी का विकल्प है। तो अगर आप जो है माइकल नेसर को बाहर रखते हैं जो है और बोलैंड को अपनी टीम में रखते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों के दोनों वार्नर और हेड को भी अपनी प्लेइंग 11 में एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि किसी चीज़ में बुराई नहीं है। और प्लेइंग 11 बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाती है। अब भारतीय टीम के ऊपर हावी ना पड़ जाए कहीं ये प्लेइंग 11, जो कि यहाँ पर एक तरीके से माइंड गेम्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन पहले ही खेलने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है टीम इंडिया के बल्लेबाजों में स्पेशली विराट कोहली, रोहित शर्मा और अन्य बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे जैसे सबके मन में एक डर पैदा करने की कोशिश करी कि हम जो है स्कॉटी बोलैंड, ये सब कहते हैं स्कॉटी बोलैंड को हम यहाँ पर प्लेइंग 11 में ऐड यहाँ पर हमने कर दिया है, यानी प्लेइंग 11 में खेलेंगे इंडिया के खिलाफ WTC फाइनल में। आपकी क्या राय इस बारे में, क्या सच में ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 को लेकर, यानी कि जो स्कॉट बोलैंड का यहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया प्लेइंग 11 में, जो कि उन्होंने कहा है कि इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे, वो माइंड गेम्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।